Assalamualaikum दोस्तों, welcome to JB's kitchen. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे. दोस्तों आज लाई हूँ आपके लिए एक और नई सी yummy recipe. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप रह सकें हमारी तमाम वीडियो से अपडेटेड. हम आज बनाने जा रहे हैं मटन फ्राइड चॉप्स. और ये बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं. यहाँ मेरे पास हैं 8 पीसेस ऑफ मटन चॉप्स, इस तरह से ऐसे पीसेस, ठीक है. उसके बाद स्पाइसेस में मेरे पास है 1.5 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट विद अ पिंच ऑफ टर्मेरिक हल्दी, ठीक है. उसके बाद यहाँ मेरे पास है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हीप्ड रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ठीक है. अब चलते हैं अपने मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ. यहाँ इसी बोल में एक एक करके मैं सारे स्पाइसेस को ऐड करूंगी. धनिया पाउडर, गार्लिक पाउडर, मेक श्योर कि आप स्ट्रिंग पूरा अच्छे तरीके से फैला दें ताकि हमें मिक्स करने के लिए आसानी रहे. नमक और हल्दी, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च. मेक श्योर कि सारे स्पाइसेस आपके चॉप्स पे और मीट पे अच्छे तरीके से लग जाएं, कहीं से भी चॉप्स जो हैं वो मसाले के बगैर ना हो, ठीक है. इनको अब हमने कर दिया है अच्छे तरीके से मैरिनेट. मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर दिया है क्लिंग से और अब मैं इसको पूरे 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, ठीक है. आइए दोस्तों, ये चॉप्स, इनको हमने 24 आवर्स के लिए मैरिनेट किया था. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल हीट करने के लिए रख दिया है. अबाउट 1/4 कप ऑयल है ये, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. अब मैं क्या करूंगी, ये सारा चॉप्स जो हैं वो इसके अंदर रख के थोड़ा सा पानी डाल के इनको गलाने के लिए रख दूंगी, ठीक है. अपने चॉप्स जो हैं मैं इस पैन में रख रही हूँ. इसके साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप पानी है ये मेरे पास. सही, इसको थोड़ा सा मैं हीट होने दूंगी और उसके बाद कवर करके गलने के लिए रख दूंगी. देखिए ये हीट हो गया है, अब मैं इसको कवर करके अबाउट 45 मिनट्स के लिए रख रही हूँ लो फ्लेम पे ताकि ये गल जाए. इस दरमियान अगर आपको ऐसा लगे कि पानी ड्राई हो रहा है तो उसे टोटली ड्राई मत होने दीजिए और थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए. 45 मिनट्स के लिए कुक करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसका बचा हुआ पानी जो है वो ड्राई कर लूंगी. इनका पानी ड्राई हो गया, अब मैं फ्लेम ऑफ करके इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख रही हूँ ठंडा करने के लिए.
ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल दिए। अब मैं इनको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ये तकरीबन 80% गल चुके हैं और बाकी के ये फ्राइंग के दौरान जो है गल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बोल में मैंने दो अंडे लेके अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। इसके बाद ये चाप जो मैंने ठंडे करने के लिए रखे थे, इन सबको मैं इसमें डाल रही हूँ। चॉप्स को हम अच्छे तरीके से अंडे में कोट करते जाएंगे। सबको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, वो ऑटोमेटिकली सब कोट हो जाएंगे। और कोट कर करके इसको इस तरह से क्रम में रखते जाइए। अच्छे तरीके से हम सारे पीसेस को अंडे में कोट करेंगे, कहीं से भी ऐसा ना हो कि अंडा नहीं लगा है, क्योंकि अगर रह गया कहीं से भी तो वहां क्रम सही से नहीं कोट करेगा। ये देखिए, अब इन सबको मैं अच्छी तरह से क्रम में कोट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारे तमाम चॉप्स जो हैं वो ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल को हीट कर लिया है। अब मैं दो दो करके इसमें अपने चॉप्स को फ्राई करूंगी। फाइव मिनट्स के लिए ईच साइड पे फ्राई करूंगी। दोनों साइड से इक्वली गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, मेरा फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए है अपने चॉप्स का। अब इसी तरह से मैं बाकी के चॉप्स को भी फ्राई कर लूंगी। ये लीजिए दोस्तों, मजेदार मटन चॉप्स तैयार हैं। आप इसे ट्राई जरूर कीजिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।